शो जिसका नाम है Who Will Win with Zinia Kamil, जहां हम बात करते हैं अगले मैच की जो IPL सीजन में होने वाला है। और आज हम बात करेंगे फाइनल मैच की। जी हां, अब वो घड़ी आ चुकी है जब टॉप टू टीम्स होंगी आमने सामने और जीतने वाले का इनाम होगा IPL 13 की विनिंग ट्रॉफी। जी हां, एक तरफ है डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी होगी पहली बार फाइनल में जगह बनाने वाली दिल्ली कैपिटल्स। तो हमारे साथ इस मैच के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जो सालों से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, खुर्रम हबीब। तो खुर्रम, आप बताइए कि इस मैच में स्पेशली टॉस कितना अहम होगा और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिल्ली आ जाएगी फाइनल्स में? जी नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, टॉस बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा कल के मैच में। जो टीम टॉस जीतेगी मुझे लग रहा है वो चेस करेगी, क्योंकि हमने देखा है कि टूर्नामेंट के अर्ली पार्ट के अंदर, इनिशियल फेज के अंदर, टीम्स बैटिंग फर्स्ट हैड एन एडवांटेज। एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेस्ड, टीम्स बैटिंग सेकंड स्टार्टेड टू हैव एडवांटेज, क्योंकि बॉल ड्यू फैक्टर आ गया था, बॉलर्स को थोड़ा ग्रिप करने में प्रॉब्लम होने लगी, इसीलिए टीम जो डिफेंड कर रही होती है अपने टोटल्स उनको थोड़ा मुश्किल होने लगा जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस किया। फर्स्ट टीम्स बैटिंग फर्स्ट स्टार्टेड टू हैव अनदर प्रॉब्लम कि बॉल थोड़ा स्विंग करने लगी अर्ली सनसेट की वजह से, तो वो जो स्टार्ट उनको मिल रहा था अर्ली पार्ट में टीम्स बैटिंग फर्स्ट को, वो इतना अच्छा नहीं मिल पाया सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट। और रही बात आपने पॉइंट्स टेबल पे दिल्ली कैपिटल्स की, तो टॉप टू टीम्स, द टीम्स दैट फिनिश्ड टॉप टू इन द पॉइंट्स टेबल आर प्लेइंग द फाइनल, सो आई थिंक दैट इज वेरी जस्टिफाइड। दिल्ली की बात करेंगे, क्वालिफाई वन दिल्ली जरूर हारी थी मुंबई से, लेकिन क्वालिफाई टू में जिस तरह वापसी की दिल्ली की टीम ने, एक मजबूत SRH जैसी टीम को हराया उन्होंने, क्या कहना है, क्या दिल्ली इस बार कर सकती है और क्या दिल्ली के प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? मुझे नहीं लगता कि दिल्ली कैपिटल्स कोई चेंज लेकर आएगी। उनके पास एक ही एरिया ऑफ कंसर्न था, वो था ओपनिंग स्लॉट, जिसमें पृथ्वी शॉ चल नहीं पा रहे थे। मेरे ख्याल से अब इस मैच के अंदर वो लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। जो टीम सनराइजर्स हैदराबाद से जीती है वही टीम खेलेगी। हालांकि मुझे लग रहा है बैटिंग ऑर्डर के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अजिंक्य रहाणे को हो सकता है ओपन करा दें, क्योंकि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग है और एक्सप्रेस पेस भी है उनके पास, मार्कस स्टॉइनिस को वापस मिडिल ऑर्डर में ला सकते हैं, बट प्लेइंग 11 में एज सच कोई चेंज नहीं दिख रहा मुझे। बात करेंगे धवन और ईशान की। धवन जिन्होंने लगाए इस सीजन में मोस्ट फोर, दैट इज 64 फोर, और दूसरी तरफ है ईशान किशन जिन्होंने जड़े हैं इस सीजन के मोस्ट सिक्सेस विद 29 सिक्सेस। और अगर धवन की बात करें तो सिर्फ इस सीजन में बल्कि IPL हिस्ट्री में वो बन गए हैं वो खिलाड़ी जिन्होंने जड़े हैं सबसे ज्यादा चौके। व्हाट डू यू से अबाउट दीस प्लेयर्स? शिखर धवन ऑब्वियसली अ क्लास अपार्ट, उन्होंने जो बैटिंग की है इस पूरे टूर्नामेंट में हर वेन्यू में, चाहे शारजा हो, अबू धाबी हो, दुबई हो, हर जगह उन्होंने रन्स बनाए हैं और हर विकेट के ऊपर उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली हैं। चौके की बात जहां आप कर रहे हैं, ऑब्वियसली प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, ज़्यादा अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते, जैसे आपने देखा कि एक इनिंग्स में आपने पिछले टूर्नामेंट के अंदर जो शारजा में इन्होंने 100 मारी थी उसके अंदर भी उन्होंने कोई छक्का नहीं लगाया था, उन्होंने डिस्पाइट द ग्राउंड बीइंग वेरी रिलेटिवली स्मॉलर देन द अदर टू ग्राउंड्स, ही डिड नॉट गो फॉर एनी बिग शॉट लॉफ्टेड शॉट, उन्होंने अपने ग्राउंड पे खेल के चौके मारे और ये अच्छे बैट्समैन की एक निशानी होती है। और रही बात ईशान किशन छक्के कल लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि अगर वो ओपन करें, अगर वो ओपन करते हैं, पावर प्ले मिलता है उनको खेलने के लिए, तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि ईशान किशन विल गो ऑल आउट फॉर बिग शॉट्स। तो भाई ये तो हो गई दोनों ही टीम्स के बारे में बात जो IPL में अपनी फाइनल टक्कर में उतरने वाली है, तो क्यों ना नजर डालें फटाफट से दोनों ही टीम्स पर। बात करते हैं और कैप्टन्स पर आते हैं, एक तरफ है श्रेयस अय्यर तो वहीं दूसरी तरफ है रो हिटमैन शर्मा। जी हाँ, ये लड़ाई है फाइनल्स की, क्या कहना है आपका? जी, फ्रेंचाइज क्रिकेट में स्पेशली IPL क्रिकेट के अंदर मुझे लगता नहीं है कि कैप्टनसी के इतना बड़ा रोल होता है, हालांकि कैप्टन्स का थोड़ा कैप्टन्स पे थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन आपका जो स्टाफ होता है, सपोर्ट स्टाफ होता है, इतना स्ट्रांग होता है और आपकी बैकरूम प्लानिंग इतनी होती है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ एग्जीक्यूशन का एक इशू होता है और वो जो कैप्टन कल होल्ड अपनी नर्व होल्ड करेगा फाइनल के अंदर, ही विल आई थिंक विन द मैच। श्रेयस अय्यर की बात करेंगे तो इस बार श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम को पहुंचाया है फाइनल्स में। जी हाँ, बैट से भी अच्छा खेले उन्होंने, जड़े 454 रन और उनकी टीम ने भी उनका बहुत अच्छा साथ दिया, क्या इस बार फिर पार लगाएंगे इस मैच में अपनी टीम को वो? देखिए, श्रेयस अय्यर हैज बीन अ गुड बैट्समैन, हालांकि मुझे लगता है पिछले मैच में उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी थी अपने आप को नंबर 3 पे लाकर। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले पावर प्ले में पहले 6 ओवर में 65 विदाउट लॉस बनाए थे और मोमेंटम उनके पास था,
वो जब अपने आप को उन्होंने प्रमोट किया तो उनको उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया बैटिंग में, और मेरे ख्याल से 100 से भी नीचे स्ट्राइक रेट पर रन मारे, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स थोड़ा सा मोमेंटम खो बैठी थी, और यही डिफरेंस हुआ कि दिल्ली कैपिटल्स 200 रन के पार नहीं जा पाई। तो मुझे लगता है कि उनको ये चीज़ देखना होगी कि कौन से बैट्समैन को कहाँ भेजना है। नंबर 3 पे उस दिन उस मैच में ये अजिंक्य रहाणे को भी भेज सकते थे, तो ये चीज़ें, ये डिसीजंस उनको लेना होंगे। बाकी उन्होंने बैटिंग अच्छी की है, 450 रन टूर्नामेंट में के अंदर, ये दिखाता है कि ही इज़ लेड फ्रॉम द फ्रंट। मुंबई इंडियंस की अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस को फाइनल तक लेकर आए हैं एक नहीं बल्कि दो कैप्टन्स। यहाँ पहले उन्हें लीड किया रोहित शर्मा ने, फिर रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए और उनकी कमान संभाली कैरन पोलार्ड ने, लेकिन हमने देखा कि प्लेऑफ में रोहित शर्मा की वापसी हो गई, उन्होंने अपनी कैप्टनसी दोबारा संभाली। लेकिन जब से वापस आए एक मसला जो उनके साथ है वो नजर आया, बैटिंग अच्छी नहीं कर पा रहे हैं। 2 मैचेस खेले, सिर्फ 4 रन बनाए, क्या इस बार अच्छी इनिंग खेल के टीम को फाइनल जिताएंगे रोहित शर्मा? देखिए सीनियर, दिस कैन हैपन टू एनी बैट्समैन कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी ले ऑफ। रोहित शर्मा के साथ भी यही हुआ, उन्होंने 3-4 मैचेस बेंच पे बिताए और उसके बाद जैसे वो बैटिंग करने आए वापस तो उन्होंने रिदम खो बैठे अपनी। एक मैच में देखा आपने कि वो पिच को रीड नहीं कर पा रहे, पिच की पेस थोड़ी नहीं पकड़ पाए, दूसरे मैच में फर्स्ट बॉल डक पे आउट हो गए, विच कैन हैपन टू एनी बैट्समैन। फर्स्ट बॉल डक कैन हैपन टू इवन द बेस्ट ऑफ इनफॉर्म बैट्समैन, बेस्ट ऑफ बैट्समैन इनफॉर्म बैट्समैन, वही रोहित शर्मा के साथ हुआ। अब उनको ये देखना है कि फाइनल के मैच से पहले उनको रिदम में कैसे लाएं। मुझे लगता है कि वो बेटर होगा उनके लिए कि वो नीचे आ जाए और ईशान किशन जो इनफॉर्म बैट्समैन रहे हैं ओपनिंग में उनकी एब्सेंस में उनको ऊपर भेज दें और खुद अपने आप को नीचे ले आएँ, थोड़ा मिडिल ऑर्डर संभालें, तो स्टार्ट भी अच्छी मिल जाएगी और उनके ऊपर हो सकता है प्रेशर भी कम हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रेडिक्शन, जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन जो INS की टीम, यस वन ऑफ द लीडिंग एजेंसी, आप तक लेकर आती है, उन पर नजर बनाए हुए 24 घंटे। जी हाँ, हर डिटेल को बारीकी से एनालाइज करने के बाद हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट देते हैं आपको ये प्रेडिक्शन। तो इन प्रेडिक्शन के साथ आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए INS के चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए। और अब बात करेंगे प्लेयर्स के बारे में और पहले नजर डालेंगे दिल्ली के प्लेयर्स पे। जी हाँ, दिल्ली के लिए ओपनिंग स्पॉट ऐसा रहा मैचेस में जो बहुत बड़ा मसला साबित हुआ, चाहे वो रहाणे हो चाहे वो शॉ हो, कोई भी इम्प्रेस नहीं कर पाया। भाई दूसरी तरफ से शिखर धवन, जी हाँ, जो रन बनाते चले गए और बन गए इस सीजन के सेकेंड मोस्ट रन गेटर, जी हाँ, विद 604 रन। वहीं मैंने देखा श्रेयस अय्यर भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 454 रन है, स्टॉइनिस भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दीस प्लेयर्स? ये ओपनिंग बैटिंग आपने जैसे कहा सबसे बड़ा मसला रहा है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, इन्होंने जो ओपनर स्ट्राइक किए हैं शिखर धवन के साथ वो चल नहीं पाए। कल पिछले मैच के अंदर हमने देखा सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट क्वालिफाइड 2 के अंदर मार्कस स्टॉइनिस ने अच्छी ओपनिंग की और अच्छा इन लोगों ने पावर प्ले में स्कोर खड़ा कर लिया, 65 रन बनाए 6 ओवर के अंदर विदाउट लूजिंग एनी विकेट। तो मार्कस स्टॉइनिस के आने के बाद एक थोड़ी ऑप्शन मिल गई, एक थोड़ा पावर पैक्ड ओपनिंग हो गई है उनकी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट ये लोग मार्कस स्टॉइनिस से ओपन कराएंगे, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की जो बॉलिंग थी थोड़ी एक्सप्रेस पेस नहीं थी, उनके थोड़े मीडियम पेस टाइप के बॉलर्स थे, तो स्टॉइनिस उनके अगेंस्ट बहुत ऊँचे अच्छे लंबे शॉट्स मार सकते थे, बहुत अग्रेसिव खेल सकते थे। मुंबई इंडियंस बॉलिंग अटैक इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉलिंग अटैक, ट्रेंट बोल्ट जो है बहुत स्विंग कराते हैं, अच्छी पेस के ऊपर स्विंग कराते हैं, तो स्टॉइनिस को ऊपर भेजना थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है। मुझे लग रहा है कि अगर ये अजिंक्य रहाणे के साथ ओपन कराएं जो टेक्निकली साउंड है, स्ट्रांग है, वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है इनके लिए। बॉलिंग यूनिट की जान रहे हैं दिल्ली के लिए साउथ अफ्रीका के 2 पेस बॉलर, जी हाँ, रबाडा एंड नॉटकिया, और जिसमें रबाडा इज लीडिंग विकेट टेकर फॉर IPL सीजन 2020 विद 29 विकेट्स। व्हाट डू यू से अबाउट द डुओ? आई थिंक दे आर एन एक्सीलेंट डुओ, दोनों एक ही कंट्री से आते हैं, दोनों के पास पेस है, बहुत अच्छी बॉलिंग है, मैन टू मैन मुंबई इंडियंस से दिल्ली कैपिटल्स बॉलिंग में मैच करती है। और खाली रबाडा और नॉटकिया की बात नहीं है, इनके पास रविचंद्रन अश्विन है जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर और क्लासिकल ऑफ स्पिन के साथ विकेट निकाले हैं, रिसीव किया है बैट्समैन को। अक्षर पटेल भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मार्कस स्टॉइनिस को आपने देखा किस तरीके से स्लोअर बॉल का यूज़ किया है उन्होंने, ही हैज़ रन हिज फिंगर्स थ्रू द बॉल टू रिसीव द बैट्समैन, किन विलियमसन को जिस तरीके से कल आउट किया था इन्होंने सनराइजर हैदराबाद के मैच में, तो इनकी एक कंप्लीट बॉलिंग पैकेज है। और रबाडा और नॉटकिया लीड कर रहे हैं, दे हैव पिक्ड 49 विकेट्स, दैट ओनली मेक्स इट वेरी इंटिमिडेटिंग। मुंबई इंडियंस की बात करते हैं जो 5वीं बार इस खिताब को अपने नाम करने के लिए उतरेगी इस फाइनल टक्कर में। जी हाँ,
इनके पास हैं बेहतरीन प्लेयर्स और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखी हमने थ्रू आउट द सीजन इन टीम की। अच्छा खेले सारे प्लेयर्स, वहीं बैट से अमेज किया हमें डिकॉक, ईशान किशन ने जिन्होंने स्कोर किए 483 रन, वहीं सूर्य कुमार यादव भी थे इस टीम में। और लास्ट मैच में क्वालिफायर मैच में हमने देखा कि एक आतिशी पारी खेली हार्दिक पांड्या ने, दिया व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? जीनिया इट्स अ वेरी बैलेंस्ड साइड और उनकी बैटिंग अटैक ऐसी है कि एक को आउट कीजिए दूसरा बैट्समैन आ जाता है। इनकी आप देखिए ओपनिंग बहुत स्ट्रांग है, मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है और फिर नीचे जो पावर हिटर्स हैं आप किरण पोलार्ड को आउट करें तो हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, हार्दिक पांड्या को आउट कीजिए तो कृणाल पांड्या आ जाता है। तो ऐसी बैटिंग के अगेंस्ट कोई भी ऑपोजिशन बॉलिंग अटैक अननर्व हो सकती है और यही उनकी मुंबई इंडियंस की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है ओवर द ईयर्स कि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही है, मैच विनर्स उनकी बैटिंग में भरे पड़े हुए हैं। मुंबई की बॉलिंग यूनिट की बात करें तो जी इस बार उनके डुओ बुमराह एंड बोल्ट ने चटके हैं 49 विकेट्स इस सीजन में, जिसमें 27 विकेट्स लीड कर रहे हैं बुमराह और वहीं 22 विकेट्स हैं बोल्ट के नाम। और चहल ने अमेज किया है, चहल की परफॉर्मेंस ने अमेज किया है, जल्दी डगआउट में भेजा है प्लेयर्स को, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक जो है सीनिया, इट्स अ वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक। उनके पास जो बॉलर्स हैं वो मैच विनर्स हैं, अपने हर बॉलर मैच विनर है। और सबसे खास बात यह है, शेन वॉर्न ने भी उस दिन अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये सारे बॉलर्स, इनफैक्ट इंटायर टीम, ये काफ़ी सालों के साथ खेल रही है तो इनकी जो बॉन्डिंग है, इनको सबको पता है क्या क्या इनका रोल है, किस तरीके से इनको बॉलिंग करना है। जैसे ट्रेंट बोल्ट है, उनको फर्स्ट पावर प्ले के अंदर विकेट्स निकालना है, उन्होंने सक्सेसफुल भी हुए हैं वो उसके अंदर, पहले ओवर में ही उन्होंने 5-6 विकेट्स निकाले हैं, 5-6 बार बैट्समैन को आउट किया इस सीज़न में, पावर प्ले के अंदर उनके 12-14 विकेट्स हैं, 14 विकेट्स हैं शायद मेरे ख्याल से। तो ये जो उनकी बॉलिंग यूनिट का, इनफैक्ट पूरी टीम का एक स्ट्रेंथ है कि इतने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं और वर्ल्ड क्लास यूनिट है बॉलिंग का। अगर आप देखें जसप्रीत बुमराह से आप कहीं पर भी बॉलिंग करा दी, ही इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग पेस बॉलर्स, ट्रेंट बोल्ट कैन स्विंग द बॉल लाइक एनीथिंग, जेम्स पैटिनसन है और राहुल चाहर को अपने आप इन बॉलर्स के साथ, वेन ही सराउंडेड विद सच काइंड ऑफ बॉलर्स, अपने आप एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो उनकी बॉलिंग अटैक आई थिंक हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन देम बीइंग सो सक्सेसफुल इन आईपीएल टीम। व्यूअर्स, आई नो आपको प्रेडिक्शन की बहुत जल्दी है, यकीन कीजिए मैं प्रेडिक्शन आप तक लेकर आऊंगी, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट खुर्रम हबीब आप तक प्रेडिक्शन लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से नजर डालेंगे स्टार प्लेयर्स पर। हम आ पहुंचे अपने इस शो के सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट पे, यस यू हर्ड मी राइट, हम खेलेंगे रैपिड फायर विद आवर क्रिकेट एक्सपर्ट खुर्रम हबीब। तो सर क्या आप रेडी हैं? ब्रिंग इट ऑन सर। बैटल्स की बात करते हैं, पहले आपको बताना कि ये बैटल मैच में कौन जीतने वाला है। बात करेंगे शिखर धवन वर्सेस ट्रेंट बोल्ट। बोथ आर इन फॉर्म, लेकिन ट्रेंट बोल्ट हैज बीन टू गुड इन द ओपनिंग ओवर्स इन द पावर प्ले। मुझे लग रहा है ट्रेंट बोल्ट शिखर धवन को निकाल देंगे कल। क्विंटन डिकॉक वर्सेस ककिसो रबाडा। क्विंटन डिकॉक ककिसो रबाडा को हैंडल कर लेंगे मुझे लग रहा है। श्रेयस अय्यर वर्सेस राहुल चहर। श्रेयस अय्यर और राहुल चाहर में एक बैटल अच्छी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से श्रेयस अय्यर सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेले थे, थोड़ा नर्वस होके थोड़ा टेंटेटिव खेले थे, मुझे लग रहा है राहुल चाहर विल हैव एन एडवांटेज ओवर हिम। क्या लगता है खुर्रम से कौन होगा स्टार बैट्समैन इस मैच में? देखिए मुझे लग रहा है या तो सूर्य कुमार सबसे ज्यादा रन मारेंगे, सूर्य कुमार यादव या ईशान किशन, बट आई विल गो विद ईशान किशन। कौन सा बॉलर करेगा अपनी बॉलिंग से इंप्रेस इस मैच में? सबसे ज्यादा इंप्रेस अगर कोई बॉलर करेगा तो जसप्रीत बुमराह, भले ही वो विकेट्स ना ले, लेकिन हिज बॉलिंग विल डिफाइन द कोर्स ऑफ दिस मैच। किसके सर पर सजेगा पर्पल कैप? जी हाँ, वो होंगे रबाडा या फिर वो होंगे बुमराह। मुझे लग रहा है ककिसो रबाडा, बिकॉज उनके ऑलरेडी 2 विकेट ज्यादा है जसप्रीत बुमराह से। I think he will win the purple cap. क्या लगता है धवन केएल राहुल को पीछे छोड़कर बन जाएंगे ऑरेंज कैप के हकदार? देखिए जीनिया, मैंने आपसे अभी पिछले क्वेश्चंस में, उनमें से एक क्वेश्चन में ये कहा था आपसे कि ट्रेंट बोल्ट इनफॉर्म बॉलर है, मुझे नहीं लगता कि वो शिखर धवन को अलाउ करेंगे कि वो 600 यानी 70 एक उनके 603 या 604 रन है, उनको 65-70 रन और चाहिए केएल राहुल को सरपास करने के लिए। आई डोंट थिंक सो ही विल बी एबल टू डू दैट। क्या लगता है कौन बनेगा इस सीजन में मैन ऑफ द टूर्नामेंट? काफी ऑप्शंस हैं, ककिसो रबाडा है, जसप्रीत बुमराह है, बैटिंग में भी ऑप्शंस हैं आपके, केएल राहुल हैं, शिखर धवन हैज बीन डूइंग वेरी वेल। आउटसाइड चांस हो सकता है सूर्य कुमार यादव को, अगर मुझसे आप पूछें, सूर्य कुमार यादव ने काफी अच्छी मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं, बट मुझे लग रहा है जस्ट दे विल गो विद जसप्रीत बुमराह। सो व्यूअर्स, वो बता के जब आपके सब्र की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, जब आपके इंतजार के लम्हे खत्म होने वाले हैं और ये मेगा क्वेश्चन, ये फाइनल क्वेश्चन सिर्फ मैच का नहीं होगा,
सिर्फ इस मैच की प्रेडिक्शन का नहीं होगा बल्कि आईपीएल सीजन 13 की ट्रॉफी के लिए ये प्रेडिक्शन होने वाली है, फाइनल की बाजी के लिए प्रेडिक्शन होने वाली है। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि मैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट खुर्रम से करने वाली हूँ मेगा क्वेश्चन पुट। तो खुर्रम जी आपका क्या कहना है, फाइनल्स आईपीएल 13 की ट्रॉफी किसके नाम होगी, क्या वो मुंबई होगी, क्या वो दिल्ली होगी, हु विल विन? देखिए व्यूअर्स, देखिए जीनिया, मुंबई इंडियंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड लग रही है, लेकिन आप अगर पिछले आईपीएल टूर्नामेंट्स देखें, मुंबई इंडियंस ने कभी बैक टू बैक टाइटल्स नहीं जीते हैं, उन्होंने एक साल छोड़ के टाइटल जीता है। पिछले साल इन्होंने आईपीएल टाइटल जीता था, इस साल मुझे लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स की बारी है। आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स विल विन दिस टाइटल। So viewers and specially दिल्ली के फैंस खुश हो जाए क्योंकि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट खुर्रम हबीब जो सालों से क्रिकेट कर रहे हैं, who has an experience of more than 18 years in cricket, उनका ये कहना है कि दिल्ली कैपिटल बनने वाली है आईपीएल सीजन 13 की विनर। जी हाँ, ये ट्रॉफी होने वाली है दिल्ली के नाम, लेकिन इस ट्रॉफी को अपनी फेवरेट टीम को जीतते हुए देखने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप मैच को मिस ना करें। आपसे लूंगी अलविदा और फिर मिलूंगी आपके अगले शो में। व्यूअर्स, अगर आप बने रहना चाहते हैं नोटिफिकेशन के साथ सबसे आगे क्रिकेट या स्पोर्ट्स की खबरों के साथ सबसे आगे, तो सब्सक्राइब कीजिए आईएनएस के चैनल को और हिट कीजिए बेल आइकन को।